मैं हमने माड़ी मैं दस दो जिम्मेवार बंदा तुम मैं गल कर यार मैं चल जूंगा अपने चल जूंगा मैं करो मेरे ना ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लुधियाना में पुलिस द्वारा सख्त सुरक्षा के प्रबंध किए गए। बाजार आम दिनों की तरह ही खुले नजर आए। भारी संख्या में पुलिस बल घंटाघर चौक सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में तैनात थे। इस दौरान जिला यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा को हिरासत में लेने के बाद उनके घर में ही बंद कर दिया गया। शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट एंटी टेररिस्ट शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अशोक थापर को भी उनके घर में बंद कर दिया गया। जिला यूथ अकाली दल के प्रधान गुरदीप सिंह गोशा का कहना था कि कांग्रेस ने इस दिन श्री अकाल तख्त साहिब पर हमला करवाया था और इस दिन होने वाले विरोध की चिंगारी को दबाने का प्रयास कर रही है, जो नहीं हो सकता। हालांकि कई नेता सुरक्षा लेने की कोशिश में विरोध प्रदर्शन करते हैं, मगर सिख गुरुओं ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला और सभी धर्मों के लोग उनमें विश्वास करते हैं। शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अशोक थापर ने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस दिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास हवन यज्ञ करते हैं, जो आयोजन इस बार भी होना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। ADCP वन दीपक पारेख का कहना था कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और किसी को भी हालात नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा। उन्होंने किसी को भी हिरासत में ले जाने से इनकार किया है। सिक्योरिटी इंतजाम पूरे सख्त किए गए हैं। डिटेन जी किसी नू डिटेन नहीं किया गया, सारे ते जिहड़े भी कोई किसी ते निगाह रखी जा रही है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स वालों, तो इतने लोगों की सुरक्षा लिए सारे प्रबंध चाक चौबंद पुलिस के नाके नुके लगाए गए हैं, सारा इंतजाम किया। देखो जी, पुलिस तो पूरी तरह चाक चौबंद है, कोरोना की लड़ाई एक पासे चल रही है, उस तो अलावा कोई भी ला एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, कोई लोक शांति को खतरा होता है, तो वो भी पूरी तरह मुस्तैद है। जी अपील की किसी सारे ने मंजूर है, सिर मथे है, पर जे ये ना सोचे सरकार भी चिंगारी नू दब के कभी ठीक किया जा सकता, क्योंकि ये जो दिन है ये अकाल तख्त साहब से हमला श्री दरबार साहब से हमले वाला दिन है, ये सारी उम्र कोई भुल नहीं सकता, ना भुलन योग जरा हमला है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के मत्थे उत्ते कलंक है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो चाहे परिवार हो, दूजे तो माफ़ी मंगा रहा पर कभी आप माफ़ी नहीं मंगी। तो अज पता लग्या भी कुछ सोशल मीडिया के चैनलों पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं बिट्टू साहब, मैं उन्होंने पूछना चाहना भी ये टाइम सगा भी सोशल मीडिया से लोगों की सच्चाइया बाहर आदि कि चाहे असं गलत करते कोई गलत करता बाहर नहीं आता, रोक नहीं लगनी चाहिए सच से, कभी रोक नहीं लगनी चाहिए। बाकी ठीक है भी अज का दिन जो कोरोना के करके जो रोक लगनी जरूरी सी, पर नाल नाल मैं उन्होंने लोगों को भी बेनती करना भी जेड़े लोग साढ़े गुरु साहब ने किसी की भी धर्म की बेदबी नहीं की, किसी धर्म के बारे कभी खिलाफ नहीं बोलिया, जो वरना को उपदेश आंदा सारे धर्मां नू प्यार दिता है, तो सानू की हक है किसी असी देवी देवते दे खिलाफ असी कोई पोस्टा पाइए। मैं उन्होंने वीरां नू भी तागत कर रहा कि पंजाब दे विच समुची दुनिया के भाईचारक सांझ चली आ रही है, इनू तोड़न दी कोशिशां ना कीतियां जाण। ते नाल नाल मैं एक रिव्यू भी होर भी रिव्यू की गल करता, कई लोग सिक्योरिटियां लैण पिछे भी कई ड्रामेबाजियां करते, उन्हां दा भी ध्यान सरकार नू रिव्यू करना चाहिए। अशोक थापर जी सर, जिम्मे कि अच्छ ऑपरेशन पुस्टा के पैसे यज्ञ भी करते हो, लेकिन इस बार हाउस अरेस्ट हो गए। साडा लोकतंत्र अधिकार है साडा कि असी हवन जग इसलिए कराने कि कई हिंदू सिख पुलिस अफसर नजायज़ जड़े मारे गए है, नजायज़ जिन्हों मारे उग्रवाद के टाइम उन्होंने निमित्त असी ये हवन जग कराई शांति लिए।
कई जथेबंदियां जड़ियां कि फौरन तो अपने मैसेज भेजदियां गलत पंजाब नूं बर्बाद करन लई। असी 10 साल देखे है पंजाब दे जड़े हालात सी 84 तो लैके 95 तक बड़े नाजुक हालात सी कि बसां चो लोग कढ़ के मारदे सी, बच्चियां नूं नजायज़ मारदे सी। मेरे ते भी फायरिंग हुई है 92 दे विच, SSP मिस्टर ढिल्लो सी इत्थे, मैं कतवाली च एंटर हो गया घंटाघर तो मेरा बचाव हो गया और मैं अखी देखी है कि दरेसी दे विच भी निहत्थे लोगों नूं मारिया गया और होर भी कई साढ़े लीडर साहबान भी जिन्हां च हिंदू सिख उन्होंने धर्म नहीं देखिया, जिहड़े नजायज़ लोगों नूं मारदे सी उन्होंने धर्म नहीं देखिया और शरीफ बंदियां नूं मारिया, पुलिस अफसरां नूं, मिलटरी अफसरां नूं, लीडरां साहबान नूं, विच हिंदू भी है सिख भी है, उन्होंने नजायज़ मारिया। उहदे निमित्त असी शांति जग कराईदा हर साल और इंदिरा गांधी जी का असी प्रतिमा ते दृश्य दे विच हर साल असी हवन जग शांतिपूर्ण मैं नाल कराने हैं और अज पुलिस अफसरां ने सानू हाउस रैस्ट इस करके करता कि एक तो लॉकडाउन है, शहर का माहौल खराब ना हो, इस करके सानू हाउस रैस्ट करता। मैं असी तो बड़ी शांति मैं नाल असी हवन जग करना सी, कुछ डिस्टेंस का भी ध्यान रखना सी, मास्क का भी ध्यान रखना सी और पब्लिक का भी असी ध्यान रखते हुए असी शांति जग करवाना चाहते सी, पर सानू प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी। मैनू हाउस रैसट कर लिता गया और मैं ये समझदा कि जिहड़ा शरारती तत्व बाहर बैठे साढ़े पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, मैं उन्होंने आगाह करना चाहना कि पंजाब का माहौल असी खराब नहीं होने देंगे, चाहे साड़ी जान भी चली जाए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितेशी।